हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं और ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं अपने दांतों के रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए, तो उसके लिए सारी डिटेल्स जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सफ़ेद दाग, ल्यूकोप्लेकिया। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सफ़ेद दाग। ये जानना बहुत जरूरी है कि सफ़ेद दाग या ल्यूकोप्लेकिया क्यों होता है। हर एक सफ़ेद दाग ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता। जो दाग नॉन स्क्रेपेबल होते हैं वही ल्यूकोप्लेकिया के अंडर आते हैं। बाय नॉन स्क्रेपेबल आई मीन आप उन दागों को स्क्रेप नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, वो नॉन स्क्रेपेबल होते हैं, जिसे एक वाइट पैच होता है। दूसरी बात, ये जुबान पे, आपके तालुए पे, आपकी ओरल म्यूकोसा पे, ओरल कैविटी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ओरल म्यूकोसा और टंग पे होते हैं। कारण की बात करें कि ये क्यों होते हैं, तो सबसे कॉमन जो कारण है वो है तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ये चीज़ें हैं जो ल्यूकोप्लेकिया के मेन कॉज है। इसके साथ साथ आपकी वीक इम्यूनिटी या कोई और कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी एक कारण बन सकता है ल्यूकोप्लेकिया का। इनिशियली जो ल्यूकोप्लेकिया के पैचेस होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं और उस स्टेज को हम कहते हैं प्री ल्यूकोप्लेकिया। उसके बाद कुछ और भी कारण हैं जिसकी वजह से ये वाइट पैचेस या ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। उसमें से सबसे कॉमन जो है वो है शार्प कस्प्स। कुछ पेशेंट्स के दांत जो होते हैं वो तीखे होते हैं, जिस कारण उनकी जुबान या उनकी गाल जो है उस दांत से बार बार रगड़ती है, उस कारण उनकी गाल पे या उनकी जुबान पे सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, पैच हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। एक और कारण ये भी है कि कुछ लोगों के क्राउन्स और रेस्टोरेशन जो फिलिंग कराई है उन्होंने, वो इतनी तीखी होती है कि उनकी जुबान या गाल उसे लगती है और उस कारण भी उनको वाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। इसके बाद है इल फिटिंग डेंचर्स। अगर आप डेंचर्स पहनते हैं या RPD पहनते हैं, निकालने डालने वाले दांत जो होते हैं, अगर वो पहनते हैं और उनकी फिटिंग अच्छी नहीं है और उस वजह से आपकी गाल या जुबान उनसे बार बार लगती है, तो चांसेस है कि जो एरिया उसके साथ टकराता है बार बार, वहाँ पर वाइट पैचेस या ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। इनिशियली अगर बात करें तो इस वाइट पैच में या ल्यूकोप्लेकिया में कोई पेन नहीं होती है, ये स्मॉल वाइट डॉट्स होते हैं, पैच बन जाता है जिनका, और आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आगे जाके यही वाइट पैच जो है थोड़ा सा रफ हो जाता है और हम जुबान से जो उसको टच करें तो हमें थोड़ी सी रफनेस फील होगा और थोड़े टाइम के बाद वही वाइट पैच रेड लीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो वाइट से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और तब हमें पेन भी होती है और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। तो इनिशियली जो पैच वाइट था वो कुछ समय के बाद अगर हम पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट ना छोड़ें तो वो आगे जाके रेड लीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस टाइम दर्द और बर्निंग सेंसेशन, कुछ भी खाने पे जलन होना, ये कॉमनली देखा जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पहली चीज़ है क्विटिंग द हैबिट। जब तक हम हैबिट को क्विट नहीं करेंगे, चाहे वो पान हो, तंबाकू हो, जर्दा हो, सिगरेट हो, अल्कोहल हो, तब तक ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हैबिट को क्विट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आते हैं स्टीरॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हम थ्रू मेडिसिन भी ले सकते हैं और थ्रू अपनी नेचुरली डाइट जो है वो भी इंक्रीज करके, न्यूट्रिशियस डाइट लेके एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेके भी बढ़ा सकते हैं। रही बात स्टीरॉइड्स की, तो वो डॉक्टर को बिना दिखाए आप ना लें तो बेहतर होगा। जो स्टीरॉइड्स हैं वो आपके डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे, उस हिसाब से ही आप वो ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो बचता है सर्जरी। सर्जरी दो तीन टाइप की होती है, जैसे कि नॉर्मल सर्जरी होती है विद स्कैल्पल, या फिर CO2 लेज़र सर्जरी होती है, या इलेक्ट्रोकॉटरी होती है। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। इनिशियली अगर हम इसको जब तक वो वाइट लीजन है तभी वहीं पे इसे रोक लें तो वो बेहतर होगा, ताकि वो आगे जाके मेलिगनेंसी ना शो करें। इनिशियली अगर हम बात करें ल्यूकोप्लेकिया की, तो ल्यूकोप्लेकिया मेलिगनेंसी शो नहीं करता नॉर्मली, लेकिन अगर वो बढ़ जाए और वो रेड पैचेस में कन्वर्ट हो जाए, रेड लीजन में कन्वर्ट हो जाए, तो आगे जाके वो मेलिगनेंसी शो कर सकता है। इसलिए अगर आपको ये बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। ल्यूकोप्लेकिया या इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। सी यू टुमॉरो।